हेलो एवरीवन, कुक जीत और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, एकदम मक्खन जैसा सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला मूंगफली बर्फी आप अगर घर पर बनाना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, फटाक से करेंगे आज की रेसिपी की शुरुआत। दोस्तों, मूंगफली बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मूंगफली। मूंगफली को अच्छे से पहले चेक कर लीजिए, कोई भी मूंगफली अगर ख़राब है तो उसको बाहर निकाल लीजिए। दोस्तों, अब हमें मूंगफली को 2 से 3 पानी से अच्छे से पहले तो वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद पानी भर के इसको ढक के रखना है 1 घंटे के लिए। दोस्तों, 1 घंटे के बाद मूंगफली एकदम अच्छे से फूल के रेडी हो चुकी है। अब हम इसका एक्स्ट्रा जो पानी है ना उसको हटा के वापस 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे। और अब हमें इसका ऊपर का छिलका जो है ना उसको हटाना है। तो बहुत आसान तरीके से आप अगर इसका छिलका हटाना चाहते हो तो एक तरीका हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा। हाथ की सहायता से अगर छिलका निकालेंगे ना तो बहुत टाइम लग सकता है। मूंगफली का ऊपर का छिलका हटाने के लिए पहला तरीका है, कोई भी एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। आपके पास अगर कॉटन का कपड़ा नहीं है तो कोई भी नैपकिन ले लीजिए, उसके अंदर मूंगफली ऐड करके दोनों हाथ की सहायता से अच्छे से मसलना है मूंगफली को। दोस्तों, आपके पास अगर कॉटन का कपड़ा या नैपकिन दोनों नहीं है तो आप कोई भी कॉटन का हैंड बैग ले लीजिए, इसको थैली भी बोला जाता है। दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से मिलता है ना मार्केट में, वो वाला सबके घर में होता है। तो इसके अंदर मूंगफली ऐड करके गांठ लगा लेना है ऊपर की साइड और अच्छे से हाथ की सहायता से मसलते जाना है, जैसे कपड़े को वॉश करते ना इसी तरीके से। ऐसा करने से बहुत ही आसानी से ऊपर का छिलका हट जाएगा। थोड़ा बहुत अगर रह भी जाएगा तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, 4 से 5 मिनट में सारे छिलके हट चुके हैं। कोई भी एक बड़ा प्लेट ले लीजिए, इसके अंदर मूंगफली को ऐड कर लीजिए और अब हमें इसका छिलका हटा लेना है ना। दोस्तों, बहुत आसान तरीका, आप इस तरीके से ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैंने मूंगफली का छिलका हटा लिया है। अब मूंगफली को हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर लिया है एक मिक्सर जार, मिक्सर जार के अंदर ऐड करेंगे मूंगफली। एक साथ मूंगफली ना ऐड कीजिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा ऐड करके पीसेंगे ना तो एकदम बारीक पेस्ट बनेगा। 4 से 5 चम्मच मैंने दूध ऐड किया है। दूध ऐड करने से एकदम आसानी से पेस्ट बनता है, देखिए इस तरीके से। दोस्तों, मूँगफली का पेस्ट एकदम मक्खन जैसा सॉफ्ट होना चाहिए, दरदरा बिल्कुल भी नहीं रखना है। काजू कतली बनाते टाइम काजू को पीसते हैं ना, इसी तरीके से हमें मूंगफली को भी पीस के रेडी कर लेना है। दोस्तों, मार्केट में तो काजू बहुत महंगे मिलते हैं और आपको अगर काजू कतली खाने का मन करे ना तो ये मूंगफली बर्फी बनाकर खा लीजिएगा, बेहद स्वादिष्ट लगती है, एकदम काजू कतली जैसा टेस्टी बनेगा। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस तरीके से जितना मूँगफली है इतना ही हमें लेना है शुगर। 250 ग्राम मूँगफली था तो 250 ग्राम ऐड करेंगे चीनी। दोस्तों, गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और गैस की फ्लेम को स्लो रख के ऐड करना है मूंगफली और शुगर का पेस्ट। अब लगातार चलाते रहेंगे ताकि बैटर हमारा नीचे चिपक ना जाए कढ़ाई में। दोस्तों, शुगर एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुका है और बर्फ़ी का थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम लगातार चलाते रहेंगे, अभी थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लगातार चलाते रहना है। दोस्तों, अगर बीच में छोड़ दिया तो नीचे बर्फ़ी चिपकने का डर रहता है, तो ये खास ध्यान रखना है, बर्फ़ी नीचे बिल्कुल भी चिपकनी नहीं चाहिए, नहीं तो जलने की स्मेल रह जाएगी बर्फ़ी में, टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अब ऐड करेंगे 1/2 चम्मच के करीब इलायची एसेंस, आप इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो 1/2 चम्मच के करीब। आपके पास इलायची नहीं है तो केवड़ा एसेंस वगैरह भी ऐड कर सकते हो। दोस्तों, देखिए ठीक होने लगा है हमारा बैटर। तो इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों,
बीच बीच में चलाते रहना है। और साइड में अगर बर्फ़ी चिपकता है तो उसको भी चम्मच की सहायता से हटा के अंदर ऐड कर देना है। दोस्तों बर्फ़ी को कलरफुल बनाने के लिए ऐड करेंगे आधा चम्मच फूड कलर। यहाँ पर मैंने येलो कलर लिया है, आप कौन सा भी कलर ऐड कर सकते हो। आपको अगर कलर नहीं ऐड करना है तो आप ना ऐड कीजिए। कलर को एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम चेक करके दिखाते हैं। देखिए अच्छे से बॉल्स बन रहा है ना, तो और भी थोड़ा सा पका लेंगे बर्फ़ी को। और कढ़ाई से एकदम अच्छे से बर्फ़ी अलग होने लगा है। दोस्तों बर्फ़ी का बॉल एकदम अच्छे से रेडी हो रहा है, देखिए हाथ में बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, कढ़ाई से भी अलग होने लगा है अच्छे से। तो अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेट के अंदर। प्लेट के अंदर पहले तो अच्छे से घी लगा लेना है। आपको अगर प्लेट के अंदर बर्फ़ी को नहीं ऐड करना है तो दोस्तों आप प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन प्लेटफॉर्म को पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद घी लगा लीजिए और बाद में ही बैटर को ऐड कर लेना है। अब हमें इसको पहले तो ठंडा कर लेना है। दोस्तों बर्फ़ी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हाथ के ऊपर लगाना है घी और अच्छे से बर्फ़ी को मसल लेना है। जितना अच्छे से मसलोगे ना इतना बर्फ़ी सॉफ्ट बनेगा और एकदम शाइनिंग वाला बनेगा। तो 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेना है बर्फ़ी को और बाद में सेट होने के लिए रख देना है। बर्फ़ी को सेट करने के लिए कोई भी थाली या कोई भी एक प्लेट ले लीजिए, उसके अंदर घी लगा के अब हम सेट करने के लिए रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने बर्फ़ी को जमाने के लिए नान खटाई का बॉक्स लिया है। बॉक्स के अंदर मैंने घी लगा के रेडी कर लिया है। इसके अंदर हाथ की सहायता से अच्छे से फैला लेंगे बर्फ़ी को। आपको अगर बर्फ़ी को काजू कतली जैसा बनाना है तो प्लेटफॉर्म के ऊपर घी लगा के बेलन की सहायता से अच्छे से बेल लीजिए और काजू कतली की तरह इसका शेप दे सकते हो। दोस्तों बर्फ़ी को मैंने 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर हमारा बर्फ़ी एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। साइड में से हम चाकू की सहायता से अच्छे से निकाल लेंगे बर्फ़ी को। बर्फ़ी को साइड में से थोड़ा सा कट लगा लेंगे और इसको निकालेंगे बाहर। बर्फ़ी को बॉक्स में से निकाल के एक प्लेट के अंदर रखेंगे और अब हम इसका लगाएंगे कट। दोस्तों आपको बर्फ़ी का जैसा भी शेप देना है आप दे सकते हो। मक्खन जैसा सॉफ्ट, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला बर्फ़ी हमारा बनके रेडी हो चुका है। हम आपको कट लगा के दिखा देते हैं। दोस्तों आप इस बर्फ़ी को ज़रूर बनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए आपका ख्याल रखिएगा। बाय बाय।